आप अखिलेश यादव से मिले थे, मुलाकात में क्या बात हुई? ज्यादा सीटें मांग ली क्या आपने? सीटों का सवाल नहीं, प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे आप अगर घोटाला और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैंने तो इनके लिए नारा बनाया कि सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से, सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। हजरतगंज थाने में एक मुकदमा है संजय सिंह के खिलाफ। 21 मुकदमा किया है योगी जी ने मेरे ऊपर। आम आदमी पार्टी, इसके पास क्या कारू का खजाना है? जैसे वो कॉमिक्स में होता था, ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। वो कैसे उत्तर प्रदेश में हो सकता है वो 2 मिनट में मैं आपको बता सकता हूँ। उत्तराखंड में सीएम का चेहरा को डिक्लेयर कर दिया, यूपी में भी बोल देते संजय सिंह होंगे सीएम सत्ता में आए तो। अरविंद केजरीवाल पंजाब में सक्रिय हैं, गोवा में, उत्तराखंड में भी सक्रिय हैं, यूपी से क्यों परहेज है? एकदम परहेज नहीं है। आपका ट्वीट आता है, आदित्यनाथ जी यूपी में 24 घंटे में कोरोना के मामले मिले हैं, रैली में व्यस्त हैं। उसके एक दिन पहले आपकी पार्टी के नेता राघव चड्ढा मानसा की रैली की भयानक भीड़ की तस्वीरें डालते हैं, तो लोग ये पूछते हैं कि ये कौन सा ओमिक्रॉन है जो संजय सिंह को यूपी में दिख रहा है लेकिन राघव चड्ढा को पंजाब में नहीं दिख रहा है। क्या संजय सिंह को लगता है कि 2014 में अरविंद केजरीवाल का नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना एक स्ट्रेटजिक भूल थी? अरविंद केजरीवाल की प्राथमिकता में पंजाब सबसे ऊपर है। इस बार पंजाब की जनता सत्ता देने के लिए तैयार है। तो आपको तो पता ही होगा, अब आप बताना चाहें दर्शकों को आपकी इच्छा है, ये नवजोत सिद्धू को आप लोग लाना चाह रहे थे क्या आम आदमी पार्टी में? गोवा में घोषित कर दिया आपने सीएम फेस। गोवा में तब कहते हैं संजय सिंह सयाने हैं, जल्दी पल्दी पासा नहीं फेंकते हैं। आज भी जब मैं उस घटना का जिक्र करता हूं तो पानी दे दीजिए। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचें जो हम मत वाले।